जय हिंद साथियों, मैं एक्स रेस्मैन सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन के द्वारा जो युवा अग्निवीर बनने जा रहे हैं उनको कुछ बिंदुओं की महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। सबसे पहले अग्निवीर किसी भी तरह की ECHS, CSD और एक्स सर्विसमैन कोटा की फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसमें जो लीव का प्रावधान है, एनुअल लीव आपको एक साल में 30 दिन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि शायद काफ़ी कम है। साथियों, अगर किसी अग्निवीर भाई ने अक्टूबर महीने तक अपनी 30 दिन की एनुअल लीव अवेल कर ली और भगवान ना करे उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस अग्निवीर को अपनी अगले साल की यानी कि एडवांस लीव ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक छुट्टी का कोई भी प्रावधान नहीं है। मेरा यह मानना है कि इस योजना में कम से कम 20 दिन की आकस्मिक छुट्टी कैजुअल लीव का प्रावधान होना चाहिए था। तो नेक्स्ट जो बिंदु है साथियों हमारा है पे एंड अलाउंसेस का। सभी को पे एंड अलाउंसेस के बारे में तो पता चल ही गया है, लेकिन साथियों एक बिंदु यह भी है कि जब 4 साल के बाद अग्निवीर सेवा समाप्त हो जाएगी और एक सैनिक की सेवा शुरू होगी, उस समय क्या 4 साल का इंक्रीमेंट अग्निवीर से सैनिक बनने जा रहा है उसको मिलेगा, या फिर सैनिक का पे लेवल का पहला स्लैब में ही उस सैनिक का वेतन दिया जाएगा। जैसा गवर्नमेंट की नीति है साथियों, तो ऐसा लगता है कि उसको पहला ही स्लैब में शामिल किया जाएगा, जबकि अगर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब में अग्निवीर के साथ में भर्ती होता है तो उस बंदे की जो सैलरी है अग्निवीर से 4 साल का इंक्रीमेंट लग करके काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। साथियों, अलाउंसेस के बारे में हमें इसमें देखते हैं तो अग्निवीर को कोई भी ग्रेजुटी और पेंशन का प्रावधान नहीं है। दूसरा, इसमें मिलिट्री सर्विस पे का भी प्रावधान नहीं है। 4 साल के अंदर कोई भी डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता अग्निवीर को नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर जो अग्निवीर 2022 में भर्ती हो रहा है जितना पैसा 2022 में ले रहा है, अगर जो अग्निवीर 2026 में भर्ती होगा उसको भी 21,000 रुपये से स्टार्टिंग शुरू होगा। 2022 का महंगाई भत्ता से लेकर के 2026 तक महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी, जो 2026 में जाकर के अग्निवीर को जो 21,000 रुपये मिलेंगे उसको काफ़ी कम होगा। कम तो अभी भी है, लेकिन उसके लिए तो फिर और ही ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी। साथियों, जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट इसमें नोटिफिकेशन के अंदर जो बिंदु दिया गया है वो टर्मिनेट रिलीज फ्रॉम सर्विस के जो हमारा वी कॉलम है इसमें दिया हुआ है, क्लियर मेंशन है रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर इज नॉट परमिटेड, यानी कि इन 4 साल में जो अग्निवीर बन गया वो 4 साल तक वो अपना डिस्चार्ज या सेवा समाप्ति नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी अग्निवीर भाई ने अग्निवीर की और किसी अदर गवर्नमेंट की जैसे पुलिस में 2 भर्ती एक साथ देखी, पुलिस का फाइनल मेरिट का रिजल्ट नहीं आया, वो अग्निवीर का रिजल्ट आ गया, वो बंदा अग्निवीर में चला गया, जाने के बाद में उसका पुलिस में फाइनल में मेरिट में नंबर आ जाता है, सिलेक्शन ले लेता है, लेकिन साथियों उसको अग्निवीर को रिलीज ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो इस बिंदु को काफ़ी ध्यान में रखें। डिसेबिलिटी कंपेंसन यानी कि विकलांगता भत्ता, तो साथियों जो अग्निवीर अपनी सेवा के दौरान डिसेबल्ड होंगे उनको एक मुश्त पैसा दिया जाएगा, कोई डिसेबिलिटी पेंशन अग्निवीर को नहीं मिलेगी। जो अग्निवीर 50% डिसेबल्ड होगा उसको 15 लाख, और जो 75% डिसेबल्ड होगा उसको 25 लाख, और जो अग्निवीर 100% डिसेबल होगा उसको 44 लाख का प्रावधान है। बोनस मार्क ऑफ CEE यानी के कॉमन इंट्रेंस एग्जाम, जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके सन और वार विडो
के लिए, सन वार्विडो के लिए इसमें 20 नंबर का छूट दिया गया है। या उसी तरह से एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 5 मार्क्स है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 15 मार्क्स है। और कुछ जीडी में जो उनका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एग्जाम्प्टेड है, मतलब यानी वो सीधे ले लिए जाएंगे। जो बेनिफिट इसमें दिया गया है आईटीआई कोर्स वालों को, जिसके पास में 1 साल की आईटीआई है उसको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और जिसके पास 2 साल की आईटीआई है उसको 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और डिप्लोमा होल्डर को 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो भाई आईटीआई वालों को अग्निवीर बनने का काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसमें होगा। तो साथियों, ये थी अग्निवीर नोटिफिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इन जानकारियों को आप अग्निवीर की भर्ती में पार्टिसिपेट करते समय अपने दिमाग में ज़रूर रखें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार ने पहले तो कोविड का बहाना लेकर के बेरोजगारी पैदा की, अब बेरोजगार युवा साथियों को मजबूर करके अग्निवीर योजना को लाया गया है। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि जो स्किल्ड युवा है, यानी कि जो क्षमतावान युवा है, जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए फ़ौज में जाने के सपने संजोता था, वह युवा आज फौज में जाने की बजाय स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग आदि की जॉब्स को ज़्यादा प्राथमिकता देगा। अगर जॉब नहीं मिलेगी तब जाकर के कहीं अग्निवीर बनने के बारे में वह सोचेगा, ये मेरा अपना विचार है। अगर ज़्यादा क्षमतावान हमारा युवा आर्मी जाने की बजाय पुलिस, रेलवे जैसी नौकरी ज्वाइन करेगा तो उससे हमारे सेना की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। ये मेरी अपनी राय है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।